ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है मधुबन, मुरली और मुरलीधर, पार्ट 7। मुरली और श्रीमत। जिन बच्चों का बाप को बुरा समाचार होगा उनको ही बाप श्रीमत देंगे और वे ही श्रीमत पर पूरा चल सकेंगे। कदम कदम पर बाप से श्रीमत लेनी है। यह पढ़ाई कब मिस नहीं करनी चाहिए, इसमें बड़ी भारी कमाई है। दुनिया की कमाई तो पाई पैसे की है जो सब खत्म होने वाली है। कदम कदम पर बाप से पूछना होता है, ऐसे नहीं कि कोई विकर्म हो जाए और घाटा पड़ जाए। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 17th मार्च 2012। तीव्र पुरुषार्थी बन आगे से आगे बढ़ सकते हो। यह सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनने का वरदान अभी प्राप्त हो सकता है। सभी जो भी आए हैं उन सबको यह अटेंशन देना है कि सदा एक तो मुरली की स्टडी कायदे प्रमाण करते रहना और साथ साथ मनसा सेवा या वाचा सेवा करने का गोल्डन चांस लेते रहना। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 13th नवंबर 2011। बाप रोज रोज भिन्न पॉइंट समझाते रहते हैं। सतयुग में 9 लाख मनुष्य थे, फिर सतयुग में 9 लाख होंगे तो ज़रूर बाकी इतने सब मनुष्य विनाश होंगे। जो बुद्धिमान होगा वह इशारे से ही समझ जाएगा कि बराबर इस लड़ाई से ही अनेक धर्म विनाश हो, एक देवी देवता धर्म की स्थापना होनी है। जो लायक बनेंगे वे ही मनुष्य से देवता बनेंगे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 19th नवंबर 2011। सर्विस के लिए, चित्र आदि बनाने के लिए खर्चा तो करना ही है, बाकी तुमको कोई से भीख मांगने की दरकार नहीं है। आप ही हुंडी भर जाएगी। ड्रामा में यह भी नोंद है, बच्चे थोड़ा ही सर्विस करते हैं तो नशा चढ़ जाता है कि हम बहुत होशियार हैं। कोई कोई बच्चों को मुरली पढ़ने का भी शौक नहीं है। बाबा जानते हैं राजा रानी, साहूकार प्रजा, गरीब प्रजा सब यहाँ ही बनने हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 19th नवंबर 2011। परमात्मा की मुरली ही यथार्थ श्रीमत है, अर्थात बाबा मुरली में ही विभिन्न व्यवहारिक बातों के विषय में बताते हैं, जिससे सभी आत्माओं को उनके विषय में प्रकाश मिल जाता है और उनका पालन करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोई विशेष आत्मा अपने लिए विशेष रूप से किसी बात के विषय में बाबा से पूछते हैं तो भी बाबा उसकी अवस्था और परिस्थितियों को समझकर श्रीमत देते हैं। बाबा ने किन किन विषयों पर श्रीमत दी है उनके संबंध में यहाँ विचार किया गया है। ज्ञान, गीता ज्ञान, आत्मा और शरीर का भेद और दोनों का परस्पर संबंध, विश्वनाटक अर्थात सृष्टि चक्र, विश्वनाटक की हूबहू पुनरावृत्ति, विश्वनाटक की संरचना, विश्वनाटक की सत्यता, न्यायपूर्णता और कल्याणकारिता के सिद्धांत, विश्वनाटक की खेल भावना, मुक्ति, जीवन मुक्ति एवं मोक्ष, तीनों लोक, पुरुषोत्तम संगमयुग, पुरुषोत्तम संगमयुग एवं उसकी यादगार पुरुषोत्तम मास, कल्पवृक्ष, मुरली, विचार सागर मंथन अर्थात चिंतन, ज्ञान का वर्णन, मनन एवं मगन स्थिति, गॉडली स्टूडेंट लाइफ, पढ़ाई एवं परीक्षा, फाइनल पेपर, योग
अर्थात याद, तपस्या, योगाभ्यास, रूहानी ड्रिल अर्थात सेकंड में फुल स्टॉप, निर्संकल्प और निर्विकल्प स्थिति, एकांत एवं एकाग्रता, स्मृति एवं विस्मृति, स्मृति एवं स्थिति का संबंध, मौन स्थिति, देह में रहते देह से न्यारी स्थिति, आत्मा अभिमानी स्थिति एवं परमात्मा अभिमानी स्थिति, उड़ती कला की स्थिति, योग बल, योग का प्रयोग, योग बल से कर्मभोग पर विजय का ज्ञान, कर्मभोग अर्थात दैहिक एवं मानसिक व्याधियाँ, धारणा, ईश्वरीय गुण एवं दैवीय गुण, समय संकल्प शक्ति के महत्व, सुख चिंतन और सुख चिंतक, चिंतन चिंता एवं चिंतन चिंता से परे निरसंकल्प स्थिति, स्वचिंतन, परचिंतन एवं व्यर्थ चिंतन, परमत मनमत, परदर्शन परदोष दृष्टि, बेफिकर बादशाह की स्थिति, बेगमपुर के बादशाह की स्थिति, इच्छा आकांक्षा कामनाएं आवश्यकताएं आशाएं अभिलाषाएं, इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात सर्व प्राप्ति संपन्न स्थिति, तपस्या, पवित्रता, ब्रह्मचर्य व्रत, विकार और विकारों से मुक्त होने का विधि विधान, संगमयुगी ब्राह्मण जीवन, ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या, ब्राह्मणों का जीवन स्तर अर्थात साधारणता में महानता, खान पान, बुद्धि का भोजन, संग अर्थात सत्य का संग एवं कुसंग, गृहस्थ जीवन अर्थात कमल पुष्प समजीवन, ट्रस्टी जीवन, तीनों कालों के विषय में सन्यास और बेहद का सन्यास, वानप्रस्थ जीवन एवं वानप्रस्थ स्थिति, अमृतवेला, सायंकाल का संधिकाल, स्वप्न एवं निद्रा, परमार्थ एवं जीवन व्यवहार, बांधेली जीवन, व्यक्तिगत जीवन, कुमार कुमारी जीवन, समर्पित जीवन, पांडव भवन एवं मधुबन निवासी, श्रीमत, दैवीय मत और आसुरी मत अर्थात मनुष्य मत, दृष्टि, वृत्ति, संकल्प, वाइब्रेशन और वातावरण, संकल्प, वृत्ति एवं वायुमंडल, श्रीमत और वातावरण, संस्कार, स्वभाव परिवर्तन, स्वपरिवर्तन एवं विश्व परिवर्तन अर्थात विश्व कल्याण, आत्मकल्याण एवं विश्व कल्याण, दृष्टि, वृत्ति और सृष्टि परिवर्तन, विश्व शांति, दान पुण्य, दानी महादानी एवं वरदानी, देखना सुनना पठन पाठन, संकल्प बोल एवं कर्म, प्रतिज्ञा एवं प्रतिज्ञा की दृढ़ता, ईश्वरीय सेवा, मनसा वाचा कर्मणा सेवा, धन की सेवा, सौंदर्य प्रसाधन, सौंदर्य प्रसाधन एवं फैशन, अंग प्रदर्शन, टीचर्स जीवन, महारथी एवं आदि रतन, शिक्षा का स्वरूप, आपघात महापाप, आपघात और जीवघात, दिव्य दृष्टि एवं साक्षात्कार, रहम की भावना, शुभ भावना, शुभकामना एवं सहयोग की भावना, राग द्वेष ईर्ष्या घृणा, निर्दोष दृष्टि, माया का ग्रहण, माया माया से युद्ध एवं माया पर विजय, उमंग उत्साह, हिम्मत एवं साहस, आशा निराशा, कर्म, कर्मों का विधि विधान और सिद्धांत,
विकर्मों से मुक्त अर्थात श्रेष्ठ कर्म, कर्मयोगी स्थिति, कर्माति स्थिति, कर्मबंधन एवं कर्म संबंध, धर्मराज एवं धर्मराज की सजाए, निष्काम कर्म, जमा का खाता, पाप पुण्य एवं पाप पुण्य का विधि विधान, पाप पुण्य का खाता, पापी एवं पाप कर्म, दुख सुख, दुखी होना या रोना, ईश्वरीय प्राप्तियां एवं उनका नशा और खुशी, रूहानी नशा एवं खुशी, आनंद अर्थात अतेंद्रिय सुख, हिसाब किताब, व्यक्त में अव्यक्त मिलन तथा अव्यक्त होकर अव्यक्त मिलन, महान एवं मेहमान, परमात्मा के साथ सर्व संबंध एवं उनका अनुभव, परमात्मा वर्षा, बाप का वारिस बनना एवं बाप को वारिस बनाना, मर्जी व जीवन अर्थात जीते जी मरना, जीवन एवं मृत्यु, मृत्यु विजय, मृत्यु दुख, मृत्यु भय और उनसे मुक्ति, देह त्याग, अंत मति सोगति, अचानक के पेपर, एवर रेडी स्थिति, वैजंती माला, आशुभ माशुभ, क्षमा एवं परवाने, बैलेंस, लव एंड लॉ का बैलेंस, स्नेह और शक्ति का बैलेंस, बालकपन मालिकपन अर्थात बालक सो मालिक, साधन एवं साधना, मधोगरी अर्थात शिव बाबा की भंडारी, शिव बाबा का भंडारा, गोवर्धन पर्वत में अंगुली का सहयोग, परमात्मा की छत्र छाया, परमात्मा की मदद, बाप की मदद एवं बाप के मददगार, एक बल एक भरोसा और एक स्थिति, हिंसा और अहिंसा, संपूर्णता और समानता, संपूर्णता संपन्नता संतुष्टता एवं प्रसन्नता, मान अपमान जीत हार स्तुति निंदा में समान स्थिति, अचल अडोल एकर स्थिति, स्वराज्य अधिकारी सच्ची स्वतंत्रता, कर्मेंद्रियजित स्वमान एवं सम्मान, अधिकार एवं कर्तव्य, अहंकारहीनता, साइलेंस एवं साइंस, वॉइसलेस एवं वॉइसलेस स्थिति, त्याग एवं भाग्य, त्याग तपस्या सेवा, बाप का दिल तख्त एवं विश्व के राज्य का तख्त, बलि प्रथा, स्वर्ग नरक, स्वर्ग की राजाई, राजा रानी दास दासी एवं साहूकार प्रजा, प्रजातंत्र से राजतंत्र की स्थापना, नरक की धन संपत्ति स्वर्ग में ट्रांसफर करना, समय का ज्ञान और उसका महत्व, सफल कर सफलता मूर्त बनना, लाइट माइट हाउस एवं सर्च लाइट स्थिति डबल लाइट स्थिति, विश्व बंधुत्व अर्थात ईश्वरीय परिवार, आत्मिक स्नेह, परोपकार अर्थात अपकारी पर उपकार, परस्पर एकमत, संगठन, संगठन की सफलता, परस्पर व्यवहार, आध्यात्मिक जीवन की सफलता, गरीबी स्थूल धन से और गरीबी से मुक्त होने का विधि विधान, भाग्य एवं भाग्य विधाता, दाता विधाता, वरदाता परमात्मा, दाता विधाता वरदाता आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिमान स्थिति, मास्टर ऑलमाइटी ऑथोरिटी, सत्य ज्ञान एवं सत्य ज्ञान की ऑथोरिटी अर्थात सत्य ज्ञान के अनुभव की ऑथोरिटी, परमात्मा प्यार एवं परमात्मा प्यार के अनुभव की ऑथोरिटी, परमात्मा पालना, मास्टर नॉलेजफुल एवं पावरफुल, बाप समान स्थिति, फॉलो फादर,
बाप दादा की बच्चों से आशाएं एवं उन आशाओं को पूरा करने के लिए श्रीमद् परमपिता परमात्मा के साथ फरमान बरदार, वफादार, ईमानदार, एक नामी इकोनॉमी स्थिति, सच्चे दिल एवं साफ दिल, सच्चाई सफाई, सत्यता एवं सभ्यता, दुआएं अर्थात सुख देना और सुख लेना, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम की स्थिति, ईश्वरीय कुल अर्थात ब्राह्मण कुल की मर्यादाएं, दैवीय कुल की मर्यादाएं, प्रश्न एवं प्रश्नों से परिस्थिति, भौतिक साधन संपत्ति एवं ईश्वरीय प्राप्तियां, वर्तमान एवं भविष्य प्राप्ति, पैगंबर मैसेंजर, ईश्वरीय वरदान एवं स्वमान, आशीर्वाद एवं अभिशाप, प्रत्यक्षता, सत्य ज्ञान की प्रत्यक्षता, बाप की प्रत्यक्षता, स्वयं की प्रत्यक्षता, भारत एवं विश्व, दैनिक चार्ट एवं स्व चेकिंग, गीत कविताएं, फोटो, गंधर्वी विवाह, विभिन्न त्योहार, उनका रहस्य एवं उनका मनाना, रीति रस्म उत्सव, अन्य प्राणियों के प्रति व्यवहार, विदेशी, भय एवं चिंता, निर्भय एवं निश्चिंत स्थिति, विघ्न एवं विघ्न विनाशक स्थिति, निर्विघ्न जीवन, बैज, हमारा कोट ऑफ आर्म्स, चित्र एवं चित्रों की लिखत आदि, विभिन्न धर्म एवं धर्म प्रचारक, विभिन्न धर्म शास्त्र, हठियो, तंत्र मंत्र, रिद्धि सिद्धि आदि सदगुरु, टीवी, बायोस्कोप देखना सुनना पठन पाठन आदि, बांधेली जीवन, विनाश एवं विनाश की प्रक्रिया, प्राकृतिक आपदाएं, रूहानी सेना, पांडव सेना, सेल्वेशन आर्मी, नैया एवं खिवैया, ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य फरिश्ता, लक्ष्य एवं लक्षण, भावना एवं विवेक, ईश्वरीय विवेक एवं आसुरी विवेक, प्रत्यक्ष फल, मांगना या किससे लेने की इच्छा रखना, मांगना अर्थात सामने वाला कुछ दे तो मैं उसको दूं, ऐसी भावना रखना, ईश्वरीय लॉज एवं लॉ मेकर, ईश्वरीय दरबार एवं उसके विधि विधान, विभिन्न शब्दों का यथार्थ रहस्य, बाप का स्नेह एवं स्नेही आत्माओं की परख, क्षमा का विधि विधान, समर्थ स्थिति, व्यर्थ एवं समर्थ, बेहद का वैराग्य, बेहद का संन्यास, देह देह के संबंध, पदार्थों की आकर्षण, मुसाफिर, न्यारा एवं प्यारा, अनुशासन, सत्यता, भक्ति भक्ति भावना एवं यथार्थ ज्ञान, दिल एवं दिमाग, विल पावर, पर्सनालिटी एंड रॉयल्टी, जाति पांति देश धर्म भाषा आदि का भेद। अगला टॉपिक है विविध विषय। बाबा यह तुमको 21 जन्मों के लिए प्राण दान देते हैं, काल पर विजय पहनाते हैं, वहां कब अकाले मृत्यु होता नहीं है। बाबा की श्रीमत पर पूरा चलना चाहिए और सबको यह ज्ञान दान करना चाहिए। औरों का जीवन भी हीरे जैसा बनाना है। भल अपनी अपनी तकदीर है तो भी मुरली तो जरूर पढ़नी चाहिए। मुरली तो कहाँ से भी मिल सकती है। एक दिन बहुत भाषाओं में यह मुरली निकलेगी। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 13 फरवरी 2012। राजा बनना है तो अपनी प्रजा भी बनानी है और वारिस भी बनाने हैं। बच्चों को कोई भी मुरली मिस नहीं करनी चाहिए। बाप को आज्ञाकारी सर्विसेबल बच्चे ही प्यारे लगते हैं। बाप की दिल अंदर बच्चों को सदा सुखी बनाने के लिए कितनी फर्स्ट क्लास सास रखती है।
देही अभिमाने बच्चे ही इस पुरानी दुनिया और पुरानी देह से उपराम रहते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 18th January 2012। रात को देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस अच्छी होगी, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे नींद को जीतने वाले बनो। बाप कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट समझाते हैं, परंतु कई बच्चे हैं जो मुरली सुनते ही नहीं हैं। पढ़ाई है मुख्य, कैसे भी करके मुरली जरूर पढ़नी सुननी चाहिए। जब तक पवित्रता की गारंटी न करे तब तक मुरली नहीं देनी चाहिए। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 16th January 2012। बाप से खजाना लेते रहो और सबको दान करते रहो। गायन है धन दिए धन मुकुटे। बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। डूबे हुए को बाहर निकालना है। किसको भी जीवदान दो, पढ़ाई तो अंत तक पढ़नी ही है। कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स बाप देते रहते हैं। जीते जी मरकर बाप से वर्षा पाना है। अभी हम सुखधाम में जा रहे हैं तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 14th January 2012। यदि व्यर्थ संकल्प है तो मुरली सुनते पढ़ते भी मन में मनन नहीं चलेगा। सोचेंगे कहेंगे आज मुरली बहुत अच्छी थी, परंतु याद आए जाएगा व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ संकल्प मन बुद्धि को अपने तरफ आकर्षित करने वाले हैं। यह व्यर्थ संकल्प बाप को दृढ़ संकल्प से दे देना है। बाप को एक बार अपनी रुचि से दृढ़ता से दे दो और बार बार चेक करो कि दी हुई चीज़ हमारे पास वापिस तो नहीं आई। अव्यक्तवाणी की डेट है 2nd March 2012। व्यास की लिखी हुई बातें सुनते सुनते यह गति हुई है। अब सिवाय ज्ञान के और कुछ सुनाते हो तो समझो यह हमारा दुश्मन है, दुर्गति में ले जाते हैं। तुमको एक बाप से ही सुनना है। बाप आए हैं मनुष्य से देवता बनाने, तो उनके श्रीमत पर ही चलना है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 6th March 2011। कहाँ भी रहो बाप को याद करो। पवित्र नहीं बनेंगे तो याद नहीं कर सकेंगे। ऐसे थोड़े ही सब आकर क्लास में पढ़ेंगे, कहाँ भी रहते याद कर सकते हो। यूं तो सेंटर पर आने से नई नई पॉइंट सुनते रहेंगे तो सहज उन्नति को पाएंगे। अगर किसी कारण से सेंटर पर नहीं आ सकते हैं, कर्फ्यू लग जाता है, तो घर में भी याद कर सकते हो। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 26th February 2012। यह महीन मैपन मेरापन मैला कर देता है और मेरा बाबा माला माल कर देता है। आज बर्थडे पर बाप दादा का यही संकल्प है कि यह व्यर्थ संकल्प रूपी अपका फूल अर्पण करो। व्यर्थ संकल्प न करना है, न सुनना है और न संग में आकर व्यर्थ संकल्पों के संग का रंग लगाना है, क्योंकि जहाँ व्यर्थ संकल्प होगा वहाँ याद का संकल्प, ज्ञान के मधुर बोल जिसको मुरली कहते हैं, वे शुद्ध संकल्प स्मृति में नहीं रहेंगे। अव्यक्तवाणी की डेट है 2nd March 2011। जो अपनी जांच करते हैं, श्रीमत को अमल में लाते हैं, उनको मालूम पड़ता है कि हम कितना याद में रहते हैं। बच्चों को श्रीमत का इतना रिगार्ड नहीं है, मुरली मिलते हुए भी पढ़ते नहीं हैं। दिल में लगता ज़रूर होगा कि बाबा कहते तो सच है, हम मुरली ही नहीं पढ़ते तो बाकी औरों को क्या समझाएंगे। भल कोई यहाँ रहते भी तो भी रिवाइज नहीं करते हैं, तकदीर में नहीं है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 31st January 2011। अगला टॉपिक है मुरली और विश्व नाटक के गुह्य राज।
ज्ञान सागर बाबा ने मुरली में इस विश्व नाटक के अनेकानेक राज बताए हैं जो इस ब्राह्मण जीवन की सफलता के लिए अति आवश्यक है। अभी ही तुम्हारी ज्ञान रत्नों से झोली भर रही है। जो टैप सुनेंगे व मुरली पढ़ेंगे व सुन रहे होंगे वे भी झोली भर रहे हैं। जो अभी ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं राज्य भाग्य भी वे ही लेंगे। इसमें मूंझने की बात ही नहीं है कि कैसे बनेंगे। ब्रह्मा द्वारा स्थापना गाई हुई है, जो स्थापना करेंगे वे ही पालना भी करेंगे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 30 जनवरी 2012। गरीब जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वे ही जाकर राजा रानी बनेंगे, उच्च पद पाएंगे। सेंटरों पर ऐसे भी आते हैं जो ईश्वरीय सेवा में कुछ नहीं देते हैं। उनको पता ही नहीं है कि यज्ञ में थोड़ा भी बीज बोने से हमारा भविष्य कितना ऊंच बनेगा। शास्त्रों में सुदामा के चावल मुट्ठी का गायन भी है ना। जो ईश्वर अर्थदान करते हैं उसका फल भविष्य जन्म में बहुत मिलता है। बाप तो दाता है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 16 फरवरी 2011। तुम्हारी बुद्धि में है कि बेहद का बाप हमको सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। पहले पहले एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था, फिर कैसे सभी धर्म स्थापक अपने अपने समय पर आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं। तुम बच्चों को बाप रोज रिफ्रेश करते हैं। बाप कहते हैं बाप और वर्षे को याद करो। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 16 मई 2011। ज्ञान सागर परमात्मा नए विश्व का रचयिता है। नए विश्व की रचना के लिए वह आकर ज्ञान देते हैं और राजयोग सिखलाकर आत्माओं को तमोप्रधान से सतोप्रधान बनाते हैं। मनुष्य आत्माओं के गुण धर्म संस्कारों और संकल्पों के आधार पर सृष्टि का नवनिर्माण होता है। आत्माओं के कर्मों और वाइब्रेशंस के आधार पर सृष्टि की जड़ जंगम चेतन प्रकृति भी सतोप्रधान बनती है। मुरली में बाबा ने इस विश्व नाटक के सर्वगुह्य रहस्यों का रहस्य उद्घाटन किया है, जो संपूर्णता की स्थिति बनाने के लिए वह सब जानना भी अति आवश्यक है। वह सब मुरली के द्वारा ही जान सकते हैं और उनको जानने से ही मुरली का महत्व हमारी बुद्धि में स्पष्ट होता है, जिसको धारण करने से हम संपन्न बनकर इस विश्व नाटक का परमानंद अनुभव कर सकेंगे। बाबा ने जिन जिन गुह्य राजों का मुरली में रहस्योद्घाटन किया है, बाबा की मुरलियों से चुनकर कुछ का यहाँ वर्णन किया गया है। ज्ञान की सत्यता का राज, निश्चय बुद्धि विजयंती संशय बुद्धि विषयंती का राज, परमात्मा का राज, परमात्मा शब्द का भावार्थ, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं एक देशवासी है अर्थात परमधाम का वासी का राज, परमात्मा के सर्वज्ञ जानी जाननहार स्वरूप का राज, परमात्मा के न्यायकारी और समदर्शीपन का राज, परमात्मा के परकाया प्रवेश का राज। यह कैसे कहां जा सकता है कि इनमें भगवान आते हैं। परमात्मा के अवतरण का राज, परमात्मा मिलन का गुह्य राज, परमात्मा मिलन कब कहां और कैसे, परमात्मा के लिबरेटर गाइड अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति दाता का राज, परमात्मा के गुणों और कर्तव्यों का राज, परमात्मा के बागबान स्वरूप का राज, परमात्मा के पतित पावन स्वरूप और कर्तव्य का राज, परमात्मा के गरीब निवास कर्तव्य का राज, परमात्मा के समदर्शी स्वरूप का राज, परमात्मा के खिवैया स्वरूप का राज, परमात्मा नैया और खिवैया का राज, विषय वैतरणी नदी अर्थात विषय सागर और क्षीर सागर का राज, परमात्मा के सौदागर स्वरूप का राज,
परमात्मा के निराकार और साकार स्वरूप का राज, परमात्मा सर्व आत्माओं का बाप का राज, परमात्मा के सर्वशक्तिवान स्वरूप का राज, परमात्मा के रहम दिल स्वरूप का राज और अनुभव, परमात्मा और ड्रामा का राज, परमात्मा और कर्म का राज, आत्मा के विषय में राज, आत्मिक स्वरूप का राज, आत्मा और शरीर के अस्तित्व का राज और शरीर में आत्मा के स्थान का राज, आत्मा और देह अर्थात प्रकृति और पुरुष के संबंध का राज और अनुभव, आत्मा निर्लेप नहीं आत्मा के पतित और पावन बनने का राज, आत्मा के लेप क्षेप का राज, आत्माओं के पूज्य और पुजारीपन का राज, आप ही पूज्य और आप ही पुजारी का राज, आत्मा रूपी बैटरी चार्ज और डिस्चार्ज होने का राज, आत्मा और परमात्मा के निराकार स्वरूप का राज, आत्मा परमात्मा के भेद और उनकी समानता का राज, आत्मा की सच्ची कमाई का राज, आत्मा के 84 जन्मों का राज, आत्मा के अविनाशी संस्कारों का राज, आत्मा की विभिन्न योनियों का राज, मनुष्य आत्मा और अन्य योनियों की आत्माओं का राज, मनुष्य आत्मा मनुष्य योनि में ही पुनर्जन्म लेती है पशु योनियों में नहीं का राज, विभिन्न योनि की आत्माओं के कर्मों और उनके सुख दुख का राज, आत्माओं के लिंग परिवर्तन का राज, मनुष्य आत्मा मनुष्य योनि में ही जन्म लेती है पशु योनि में नहीं का राज, मन बुद्धि संस्कार और आत्मा के अस्तित्व का राज, वृत्ति और वाइब्रेशंस का वातावरण पर प्रभाव तथा वातावरण का आत्मा की स्थिति पर प्रभाव का राज, आत्मा की संकल्प शक्ति का राज, आध्यात्मिक ज्ञान और उसके महत्व का राज, आध्यात्मिक ज्ञान और धार्मिक ज्ञान में अंतर का राज, आध्यात्मिक ज्ञान मनोविज्ञान और दोनों के भेद का राज, आध्यात्मिक ज्ञान और दार्शनिक ज्ञान का राज, ईश्वरीय ज्ञान और धर्म पिताओं के ज्ञान का राज और अंतर, आत्मा की कर्मातीत स्थिति का राज, आत्मा के मोक्ष का राज, आत्माओं का आत्माओं के साथ हिसाब किताब का राज, आत्माओं के परस्पर संबंधों का राज, आत्माओं के परस्पर संबंधों के हिसाब किताब और कल्पांत में पूरा करके वापस घर जाने का राज, ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता का राज, फरिश्ता आत्माओं और प्रेत आत्माओं का राज तथा दोनों के गुण धर्मों में अंतर का राज, फरिश्ता और सूक्ष्म शरीरधारी प्रेत आत्माओं के अस्तित्व का राज, देह में रहते फरिश्ता स्वरूप का राज, इविल सोल्स एवं उनके प्रभाव का राज, आत्मा के परम धाम से आने और वापस जाने का राज, आत्मा के सत्युग और कलयुग में देह त्याग का राज, आत्मिक प्यार का राज, आत्मा की चेतनता की परख का राज, सृष्टि चक्र के विषय में राज, विश्व नाटक और उसकी संरचना का राज, विश्व नाटक की अनादि अविनाश्यता और सतत परिवर्तनशीलता का राज, विश्व नाटक और परमात्मा आत्मा का राज, विश्व नाटक के गुण धर्मों का राज, विश्व नाटक के विधि विधान नियम सिद्धांतों का राज, विश्व नाटक के सत्य न्यायपूर्ण कल्याणकारिता के सिद्धांत का राज, विश्व नाटक में सतो प्रधानता और तमो प्रधानता के सिद्धांत का राज, विश्व नाटक के हूबहू पुनरावृत्ति के सिद्धांत का राज, विश्व नाटक के सतत परिवर्तनशीलता और विविधता का राज, विश्व नाटक की स्वतः गतिशीलता का राज, विश्व नाटक के आध्यात्मिक नियम और सिद्धांतों का राज, विश्व नाटक की अनादि अविनाशी शूटिंग के रीशूटिंग का राज, विश्व नाटक की परमानंदमयता का राज, विश्व नाटक और सुख दुख एवं आनंद का राज, विश्व नाटक के आदि मध्य अंत का राज, विश्व नाटक और पुरुषोत्तम संगम युग का राज, विश्व नाटक
और सूर्य चांद तारों के संबंध का राज, विश्व नाटक और सुख धाम दुख धाम शांति धाम का राज, विश्व नाटक और साक्षी स्थिति का राज, विश्व नाटक और निर्दोष दृष्टि का राज, विश्व नाटक और शुभ भावना शुभ कामना का राज। जीवात्मा अपना आप ही मित्र है और आप ही अपना शत्रु है का राज, स्वदर्शन चक्र और स्वदर्शन चक्रधारी बनने का राज, विश्व नाटक और स्वर्ग नर्क जीत हार दिन रात का राज, स्वस्तिका का राज, चार युगों की आयु और उसकी दिशा और दशा का राज, विश्व नाटक और पुरुषार्थ का राज, विश्व नाटक और अहंकारहीनता ऊंच नीच के भाव का राज, विश्व नाटक एवं योग का राज, विश्व नाटक कर्म और कर्मफल अर्थात पुरुषार्थ और प्रारब्ध के सिद्धांत का राज, विश्व नाटक और हमारे कर्तव्य का राज, विश्व नाटक और मान अपमान जीत हार में समान स्थिति का राज, विश्व नाटक और खेल भावना का राज, विश्व नाटक और समय की विशेषता का राज, विश्व नाटक आत्मा साधन संपत्ति और परमानंद का राज, विश्व नाटक और कर्म के विधि विधान का राज, विश्व नाटक और अधिकार एवं कर्तव्य का राज, विश्व नाटक और मोक्ष का राज, विश्व नाटक और हीरो पार्ट का राज, विश्व नाटक और मुक्ति जीवन मुक्ति का राज, जो हुआ अच्छा हुआ जो होगा अच्छा होगा का राज, विश्व नाटक और नथिंग न्यू का राज, विश्व नाटक और व्यर्थ चिंतन का राज, विश्व नाटक और अज्ञानता का राज, तीनों लोकों के विषय में राज, ब्रह्मलोक ब्रह्मांड का राज, सूक्ष्म वतन का राज, सूक्ष्म वतन वासी ब्रह्मा विष्णु शंकर का राज, स्थूल वतन का राज, त्रिलोकीनाथ का राज, कल्प वृक्ष के विषय में राज, कल्प वृक्ष की कलम का राज, आदि सनातन देवी देवता धर्म और उसका विभिन्न धर्मों के साथ संबंध का राज, संसार में विभिन्न धर्मों की स्थापना और सबके विलीन होकर एक सद्धर्म की स्थापना का राज, परमात्मा और विभिन्न धर्म संस्थापकों की धर्म स्थापनार्थ पर काया प्रवेश का राज, एक धर्म की आत्माओं का दूसरे धर्मों में परिवर्तित होने और कल्पांत में अपने मूल धर्म में वापस आने का राज, आदि सनातन देवी देवता धर्म और हिंदू धर्म का राज, सनातन शब्द का राज अर्थात हिंदू धर्म से आदि सनातन देवी देवता धर्म की कलम लगने का राज, सृष्टि में जनसंख्या वृद्धि और कम होने का राज, कल्पवृक्ष की आयु का राज, कल्पवृक्ष की आयु लाखों वर्ष नहीं 5000 वर्ष है का राज, कल्पवृक्ष के अक्षयपन अर्थात अनादि अविनाश्यता का राज, वृक्षपति वृक्षपति अर्थात बृहस्पति की दशा का राज, योग अर्थात याद के विषय में राज, योग के अर्थ और उसके महत्व का राज, योग के विधि विधान का राज, राजयोग और हठयोग के अंतर का राज, निर्संकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि का राज, अंतर्मुख अर्थात निर्वाण स्थिति का राज, बिंदु अर्थात बिंदु रूप स्थिति का राज, बिंदु रूप स्थिति के अभ्यास का महत्व, बिंदु रूप स्थिति और अव्यक्त स्थिति का राज, विभिन्न प्रकार के योग और उनका राजयोग से संबंध का राज, कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग का राज, ज्ञान योग मार्ग निष्काम कर्मयोग मार्ग, राजयोग मार्ग राजयोग हठ योग राज ऋषि ब्रह्म ऋषि राजयोगी हठ योगी का राज, राजयोग हठ योग की समानताओं और असमानताओं का राज, रूहानी ड्रिल का राज और अभ्यास, योग की सफलता के लिए योगाभ्यास अर्थात आध्यात्मिक ड्रिल का ज्ञान, एकांत और एकाग्रता का राज, स्मृति और विस्मृति का राज,
स्मृति से समर्थी का राज, मौन का राज और योग की सफलता में उसके महत्व का राज, माया, माया की प्रवेशता, माया से युद्ध और माया जीत बनने का राज, युद्ध और युद्ध के मैदान का राज, रुस्तम से माया के भी रुस्तम होकर लड़ने का राज, परमानंदमय और विषयानंद का राज, योग बल भोग बल का राज, योग बल और भोग बल द्वारा संतान उत्पत्ति का राज, श्री कृष्ण के मुकुट में मोर पंख का राज, योग बल से देह धारण करने और देह त्याग का राज, योग बल और भोग बल से संतोना योग बल और भोग बल से संतान उत्पत्ति और उसके विश्व पर प्रभाव का राज, एडवांस पार्टी उनके कर्तव्य का राज, एडवांस पार्टी उनके कर्तव्य का राज, एडवांस पार्टी और योग बल से जन्म का राज, देह में रहते देह से न्यारे अर्थात अशरीरी होने का राज, कर्मों की गहन गति का राज, कर्मों के नियम सिद्धांत एवं विधि विधान का राज, विकर्म और विकर्म विनाश की प्रक्रिया का राज, सुकर्म अकर्म विकर्म का राज, सुकर्म कर्म करने के विधि विधान का राज, कर्म और कर्मफल का राज, निष्काम कर्म का राज, विकर्माजित संवत और विकर्मी संवत का राज, कर्म और ड्रामा के विधि विधान के संबंध का राज, कर्मातीत अवस्था का राज, कर्मातीत स्थिति और कर्मबंधन की स्थिति का राज, कर्म भोग और कर्मयोग का राज और कर्म भोग से सहज मुक्त होने की विधि का राज, कर्म भोग के सुली से काटा बनने का राज, कर्मबंधन और कर्म संबंध का राज, साक्षी कर्मातीत मुक्त जीवन मुक्त स्थिति का राज, कर्मातीत और विकर्माजित स्थिति का राज, कर्मातीत स्थिति और विनाश के संबंध का राज, धर्म और कर्म का राज, पतित और पावन का राज, आत्मा के पावन से पतित और फिर पतित से पावन बनने का राज, आत्मा के पुण्यात्मा और पापात्मा बनने का राज, पाप पुण्य का राज, आत्मा के पुण्यात्मा और पापात्मा बनने का राज, पुण्यात्मा पवित्र आत्मा और पापात्मा का राज, आत्मा का खाता जमा और ना होने का राज, पापों का बोझ चढ़ने और पाप भस्म कर पावन बनने का राज, धर्मराज और धर्मराजपुरी का राज, धर्मराजपुरी के विधि विधान का राज, धर्मराज की सजाए और सजाओं से बचने का राज, धर्मराज की ट्रिब्यूनल का राज, कब्र दाखिल और कब्र से जगाने का राज, कयामत अर्थात विनाश का राज, पवित्रता और ब्रह्मचर्य का राज, संपूर्ण और संपन्न पवित्रता का राज, सच्ची पवित्रता अर्थात आत्मिक पवित्रता का राज, ब्रह्मचर्य व्रत और ब्रह्मचारी जीवन का राज, ब्रह्मचर्य व्रत तथा पवित्रता में अंतर का राज, संगम युग की पवित्रता और उसका भक्ति मार्ग के पूज्य स्वरूप से संबंध का राज, पुरुषार्थ का राज, यम अर्थात संयम और नियम का राज, पुरुषार्थ और प्रारब्ध का राज, पुरुषार्थ और भाग्य का राज, पुरुषार्थ प्राप्ति सुख दुख और ड्रामा का राज, ज्ञानी तु आत्मा और योगी तु आत्मा का राज, मुक्ति जीवन मुक्ति अर्थात गति सदगति का राज, ब्रह्मा का राज, ब्रह्मा के अस्तित्व का राज अर्थात कैसे शिव बाबा की ब्रह्मातन में प्रविष्टता और ब्रह्मा नामकरण का राज, ब्रह्मा के 84 जन्मों और परमात्मा के ब्रह्मातन में प्रवेश होने का राज, आत्माएं अविनाशी हैं और परमात्मा भी अविनाशी है तो परमात्मा पिता कैसे है उसका राज, परमात्मा के
माता पिता बनने का राज, जगत पिता और परम पिता का राज, जगद अम्बा और जगत पिता का राज, ब्रह्मा और ब्रह्मा सरस्वती का राज, बेहद के दिन और रात अर्थात ब्रह्मा के दिन और ब्रह्मा की रात का राज, ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा अर्थात ब्रह्मा और कृष्ण का राज, श्याम सुंदर का राज, ब्रह्मा की अनेक भुजाओं और चतुर्मुख का राज, साकार ब्रह्मा बाप के साकार साथ का राज, ब्रह्मा बाबा की संपूर्णता और समर्पणता का राज, ब्रह्मा बाबा की महानता का राज, फॉलो फादर का राज, सन सोर्स फादर, फादर सोर्स सन का राज, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के गुण कर्तव्यों का राज, ब्रह्मा बाबा के गुण कर्तव्यों की विशेषताओं का राज अर्थात ज्ञान, ब्रह्मा बाबा सत्युग के प्रथम नारायण एवं राजा विक्रमादित्य का राज, आदिदेव आदम एडम का राज, ब्राह्मण और ब्राह्मणों के द्विज जन्म का राज, ब्रह्मा कुमार कुमारियों का राज, भारत का राज, भारत और भगवान का राज, भारत और स्वर्ग नरक का राज, भारत की संपन्नता और महानता का राज, भारत खंड की अविनाश्यता का राज, भारत के उत्थान पतन और उसके विश्व के उत्थान पतन से संबंध का राज, भारत की सीमाओं और भारत की सीमाओं के विस्तार और संकुचन का राज, आर्य और अनार्य का राज, भारत और भगवान के संबंध का राज, भारत और भारत से विभिन्न धर्म और सभ्यताओं के संबंध का राज, भारत भूमि पर विभिन्न धर्मों और सभ्यताओं के शासन का राज, भारत और विश्व परिवर्तन का राज, आबू तीर्थ महान का राज, पांडव भवन का राज, मधुबन निवासियों के भाग्य का राज, देलवाला अचलगढ़ मंदिर और तीर्थराज आबू का राज, दिल्ली दरबार इंद्रप्रस्थ का राज, भारत और भारत के प्राचीन राजयोग का राज, भारत की राजनैतिक एवं आध्यात्मिक स्वतंत्रता परतंत्रता का राज, भारत और स्थापना विनाश के संबंध का राज, भारत और विश्व परिवर्तन की प्रक्रिया का राज, भारत और खुने नाहे खेल का राज, सोमनाथ मंदिर, राजा विक्रमादित्य और भक्ति मार्ग के प्रारंभ होने का राज, कृष्ण और क्रिश्चियंस के संबंध का राज, पुरुषोत्तम संगम युग का राज, पुरुषोत्तम संगम युग और उसकी यादगार पुरुषोत्तम मास का राज, पुरुषोत्तम संगम युगी जीवन के महत्व का राज, ब्राह्मण जीवन की महानता का राज, सिद्धि स्वरूप स्थिति का राज, ब्राह्मण जीवन की सिद्धियों का राज, व्यक्त में अव्यक्त मिलन का राज, अव्यक्त होकर अव्यक्त मिलन के सुख का राज, मुक्ति जीवन मुक्ति और संगम योगी मुक्ति जीवन मुक्ति के अनुभव का राज, परमात्मा और मुक्ति जीवन मुक्ति का राज, आत्मा और मुक्ति जीवन मुक्ति का राज, संगम योग और अमृत वेला का राज, सायंकाल के संधि काल का राज, भूतकाल और भविष्यकाल का वर्तमान से संबंध का राज, भूत वर्तमान भविष्य स्थिति के दर्पण का राज, वर्तमान प्राप्तियों का भविष्य प्राप्तियों से संबंध का राज, जीवन में सच्ची खुशी का राज अर्थात सच्ची सुख शांति का राज, सुख दुख का राज, दुख अशांति की पहेली की हल्का राज, परम सुख और परम दुख का राज, जीवन में परम प्राप्ति का राज, सुख परम सुख और पुरुषोत्तम संगम युग के सुख का राज, भौतिक सुख इंद्रिय सुख और अतेंद्रिय सुख ज्ञान का सुख, परमात्मा मिलन के सुख का राज, परमात्मा के दिल तख्त और दिल तख्त नशीन होने का राज, अकाल तख्त का राज, गीता और गीता ज्ञान का राज, पांडव कौरव और यादव सेना का राज, गीता गीता ज्ञान और गीता ज्ञान दाता का राज, यदा यदा ही सृजाम्यहम का राज, मनमना भव मध्याजी भव नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा का राज,
श्रीमत अर्थात ईश्वरीय मत, दैवीय मत और आसुरी मत का राज, निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनश्यंती का राज, विनाश काले परमात्मा से प्रीत बुद्धि विजयंती और विपरीत बुद्धि विनश्यंती का राज, ओम शांति।